हिंदी सिनेमा से एक दुख भरी खबर सामने आई है। सिनेमा जगत की दिग्गज अदाकारा तबसुम गोविल ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। अभिनेत्री 78 वर्ष की थी। जानकारी के मुताबिक कल शाम दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका निधन हुआ है। वे अपने 100 फूल खिले हैं, गुलशन गुलशन के लिए लोकप्रिय थी। तबसुम गोविल सिनेमा जगत में कभी किसी की पहचान की मोहताज नहीं रही। उनका जन्म 9 जुलाई 1944 को अयोध्या में हुआ था। उनके पिता अयोध्या नाथ सचदेव और असगरी बेगम स्वतंत्रता सेनानी थे। हालांकि अभिनेत्री की पढ़ाई लिखाई मुंबई में हुई। दावा किया जाता है कि तबसुम ने बहुत ही छोटी उम्र में फिल्मी दुनिया में कदम रख दिया था। वे पहली बार जब स्क्रीन पर आई तब वे महज 3 साल की थी। साल 1947 में रिलीज हुई फिल्म मेरा सुहाग में उन्होंने बाल कलाकार की भूमिका निभाई थी। तबसुम ने फिल्म दीदार में नरसिंह के बचपन का किरदार निभाकर दर्शकों के दिलों पर राज किया था। इसके बाद वे कई फिल्में में नजर आई। वे आज उनका निधन हो गया है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। आप भी कमेंट में ओम शांति जरूर लिखे। नई अपडेट के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।